नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। हेमंत कटारे एन अनसॉल्व्ड स्टोरी। अगर हेमंत कटारे मामले पर फिल्म बनाई जाए तो फिलहाल यही टाइटल मुफीद लगता है, क्योंकि कटारे मामले में किरदार भी रोज बदल रहे हैं और कथानक भी। आपकी इस मामले में दिलचस्पी बनी रहे, लिहाजा ये पूरी कहानी सस्पेंस थ्रिलर की तरह चल रही है। वानगी देखिए जरा। पहले दिन जो छात्रा आरोपी बनाई जाती है, दसवें दिन वो फरियादी बन जाती है यानी पीड़ित हो जाती है। वीडियो ऑडियो के साथ सोशल मीडिया के जरिए कहानी में आ रहे हैं रोज नए ट्विस्ट, और अब तो इस कहानी के मुख्य पात्रों के साथ पर्दे के पीछे से कई और किरदार भी शामिल हो रहे हैं। फिलहाल जब इस कहानी का कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा तो अंदाजा शेर की शक्ल में बस इतना है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरी के जुर्म है। आदमी तो जमानत पर रिहा है या फरार है। इस पूरे मसले को लेकर क्या है पूरी कहानी, और कैसे कोई फरियादी पीड़ित बन रहा है, कौन पीड़ित, कौन फरियादी, कौन ब्लैकमेलर, कौन ब्लैकमेल हो रहा है, इन सब मसलों पर कई दिनों से बात चल रही, आज भी हम इसी पर बात करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ, ठीक है? कोई इशू नहीं हो, कुछ भी नहीं। आप जैसे जैसे आप मेरे साथ ट्रीट करोगे ना, जैसे आप प्यार से रहोगे वैसे मैं प्यार से रहूंगी। देखो मुझे कटारे अनसॉल्व मिस्ट्री में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये ताजा ऑडियो है। हालांकि ईटीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो के सामने आने के बाद इस पूरे मामले में फिर नया ट्विस्ट। तो तारीख दर तारीख आगे बढ़ी इस कहानी से आप रूबरू हो, इससे पहले कथानक के साथ किरदारों को जान लीजिए। मुख्य किरदार तो खैर हेमंत कटारे और जर्नलिज्म की छात्रा ही है, पर इस कहानी में तीसरा वो है जिसके आने के बाद कहानी पहली बार में ही पलट गई। तीसरा किरदार बीजेपी नेता विक्रमजीत। छात्रा की माँ उसी भूमिका में है जिस भूमिका में एक माँ को होना चाहिए। तो 24 जनवरी से 4 फरवरी तक आते आते 12 दिनों में हेमंत कटारे की उलझी हुई कहानी ने कितने रंग बदले, और सोशल मीडिया के जरिए कैसे इस कहानी में सीन बदलते रहे, सिलसिले वार देखिए। 24 जनवरी, एक एम्बिशियस लड़की की दास्तां की शक्ल लिए हुए शुरू हुई कहानी। यूं लगा कि ये भी हसरतें पूरी करने के लिए एक हाई प्रोफाइल नेता को ट्रैप कर लेने का किस्सा। जाहिर है दर्शकों की सहानुभूति नेता के साथ होनी थी। हेमंत कटारे की शिकायत पर 5 लाख के साथ छात्रा की गिरफ्तारी। लीजिए गिरफ्तारी के एंड बाद पहला वीडियो। छात्रा हेमंत कटारे पर बलात्कार का आरोप लगाती है। पच्चीस जनवरी, छात्रा अभी जेल में ही है। सोशल मीडिया पर छात्रा और हेमंत कटारे के बीच हुई बातचीत का व्हाट्सएप वायरल। छात्रा के दो और वीडियो मार्केट में आते हैं। हेमंत कटारे पर फिर नया आरोप, जान का खतरा। वो मुझे मारने की भी कोशिश करे, वो मुझे मेरा एक्सीडेंट करवा सकता है। इफ आई विल डाई इन एनी अनसर्टेन रीजन। आरोपी विक्रमजीत की भाजपा नेताओं के साथ तस्वीर लिए इस बार कांग्रेस भी मैदान। भाजपा नेता विश्वास सारंग, सुरेंद्र नाथ सिंह, सरताज सिंह तक के नाम उछलते हैं, और पहर बदले इससे पहले छात्रा का चौथा वीडियो जारी हो जाता है, इस बार माफी का। 27 जनवरी, एक दिन के ब्रेक के बाद छात्रा नहीं उसकी माँ का वीडियो जारी होता है। आरोप, पूरी साजिश विक्रमजीत ने रची। 28 जनवरी, आरोपी विक्रमजीत का सनसनीखेज वीडियो वायरल होता है, इस दावे के साथ कि युवती का माफी वाला वीडियो हेमंत कटारे की मौजूदगी में क्राइम ब्रांच में ही बना। 31 जनवरी, क्राइम ब्रांच हेमंत कटारे का मोबाइल जब्त करने नोटिस जारी करती है। हेमंत कटारे मोबाइल जब्त भी कराते हैं लेकिन फॉर्मेट करके। 1 फरवरी, कहानी पलट जाती है। सेंट्रल जेल में बंद छात्रा की शिकायत पर हेमंत कटारे पर रेप और छात्रा की मां की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज होता है। 4 फरवरी, सोशल मीडिया में हेमंत कटारे और छात्रा के बीच की डील के कथित 3 ऑडियो क्लिप वायरल होते हैं। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 फरवरी, एक दिन बाद विक्रमजीत सिंह का वीडियो वायरल होता है। वीडियो में विक्रमजीत मामले को लेकर हेमंत से डील कर रहे हैं।
क्योंकि मैंने मैनेज करने के लिए भी मैं खुद नहीं गया जब तक मुझे हेमंत ने नहीं बोला। इसका सारे प्रमाण मेरे पास है, सारे सबूत मेरे पास है। कौन सा ऑडियो आया है, किन किन के नाम लिए हैं, पहले वीडियो आया तो उसमें किस किस के नाम लिए, क्या लिए, व्हाट्सएप चैटिंग आई है। सवाल ये है कि एक विधायक पर बलात्कार और अपहरण की FIR दर्ज है। अच्छा ये होगा कि जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा है इसकी CBI जांच हो जाए, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम करवाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी इसकी CBI जांच करवा लें तो दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल की इस पूरी कहानी में सवालों का सबसे बड़ा घेरा पुलिस के इर्द गिर्द है कि जिस छात्रा को आरोपी बनाया वो उसी वक्त फरियादी क्यों नहीं दिखाई दी। वायरल हो रहे इन वीडियो ऑडियो के साथ गुत्थी सुलझनी थी पर उलझती ही जा रही है। तो इस कहानी में फिलहाल दी एंड नहीं है, ब्रेक है। ब्रेक के बाद कुछ और खुलासे होंगे। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तीन मेहमान है हमारे साथ, सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता है BJP के, स्वागत है रजनीश जी का। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, स्वागत पंकज जी का। और तीसरे मेहमान बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत पॉलिटिकल और क्राइम पर बड़ी बारीक नजर रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट मृगेंद्र सिंह जी का, स्वागत मृगेंद्र जी का। सबसे पहले पंकज जी आपसे, अमूमन हम BJP शुरुआत करते हैं लेकिन आज कांग्रेस से, मैं जानना चाहता हूं कि जो हेमंत कटारे हैं ये आरोपी हैं, फरियादी हैं, पीड़ित हैं, क्या हैं हेमंत कटारे इस पूरे मामले में? देखिए प्रवीण जी, आपने लाख टके का प्रश्न उठाया और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को लेकर तय नहीं कर पा रही कि हेमंत कटारे फरियादी हैं, आरोपी हैं या क्या हैं, जो सवाल आपने किया। और इसीलिए कल नेता प्रतिपक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी, उनसे आग्रह किया कि जिस प्रकार का पूरा घटनाक्रम इस सारे विषय में सामने आया वो कहीं ना कहीं तमाम सारी संदिग्ध चीजों की ओर इशारा करता है। और इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि वो CBI की जांच की बात करें या किसी न्यायिक जांच की बात करें जिसमें हाईकोर्ट स्तर के कोई रिटायर्ड न्यायाधीश इस सारे मामले की जांच करें। और उन्होंने शब्द का प्रयोग किया राजनीतिक षड्यंत्र, वो भी क्यों किया प्रवीण जी? उसका बहुत तार्किक आधार है कि हेमंत कटारे जब चुनाव लड़े अटेर में, तो आपको विदित होगा कि जिस दिन पोलिंग थी उस दिन हेमंत कटारे की गाड़ी को एक गांव विशेष में घेरा, गोली वोली चली, तमाम सारे विषय हैं, वहां से पुलिस ने उनको निकाला। दूसरा, हेमंत कटारे के चुनाव में देश के इतिहास में एक रिकॉर्ड बना कि एक उपचुनाव में तकरीबन 36 अधिकारी जिनमें SP कलेक्टर और पटवारी और सब इंस्पेक्टर तक के स्तर के अधिकारी शामिल थे, उनके तबादले हुए। पर हेमंत के चुनाव जीतने के 3 दिन बाद ही वो सारे 36 अधिकारी दोबारा वहीं पर पदस्थ कर दिए गए। फिर हेमंत कटारे और उनके भाई का नाम एक गोली चालन के प्रकरण में लिया गया, जिसमें जो बातचीत हो रही है वो उतना नहीं दिख रहा कि बहुत बहुत इनोसेंट हो हेमंत कटारे, ऐसा अभी तक वीडियो में आया नहीं। मैंने तो प्रवीण जी इनोसेंट और कल्प्रेट की बात ही नहीं करी, मैं तो राजनीतिक षड्यंत्र का आधार बता रहा हूँ आपको कि जो आशंका कांग्रेस को है वो क्यों है। गोली चालन के एक मामले में उनका नाम आता है लेकिन वहां फिर ये प्रमाणित होता है कि वो और उनके भाई दोनों जिले के बाहर थे, इसलिए न्यायालय ने उनका नाम वहां से हटाया। फिर पुलिस के एक SDOP स्तर के अधिकारी जो चुनाव में बदले जाते हैं दोबारा पदस्थ हो जाते हैं, उन्होंने एक SC Act के केस में अंतिम समय में चालान में विधायक हेमंत कटारे का नाम जोड़ा, जिसको जिनको कोर्ट से फटकार पड़ी और फिर उन हेमंत कटारे का नाम वहां से हटाया गया। अच्छा एक आप कह रहे हो, एक बस फिर उसके बाद राजनीति जी चलेंगे, आप कह रहे हो एक राजनीतिक षड्यंत्र, ये राजनीतिक है, प्रशासनिक है, BJP करा रही है, पुलिस करा रही है, क्या डाउट लग रहा है आपको इसमें? देखिए प्रवीण जी, मैंने तो ये नहीं कहा BJP करा रही है, मैंने ये भी राजनीतिक होगी तो कोई ना कोई दल आएगा उसमें। मेरी बात तो सुने। मैं तो प्रवीण जी ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी रिसेंट ऑडियो बात की आपने बात करी तो उसमें 3 नाम सामने आए, अरविंद सिंह भदौरिया, मुन्ना सिंह चौहान या भदौरिया, मैं कंफ्यूज हूँ उसको लेकर, मुन्ना भदौरिया चौहान जो भी नाम है, और साधना आंटी। ये 3 नाम कौन है, ये कौन अरविंद भदौरिया है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये वही अरविंद भदौरिया है जो अटेर से हेमंत कटारे के खिलाफ चुनाव लड़े थे और पराजित हुए थे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये वही मुन्ना सिंह भदौरिया है जिनका BJP ने अंतिम समय पर टिकट काटा था। मैं उन महिला का जिक्र भी नहीं कर रहा कि उनका इस मध्य प्रदेश में क्या राजनीतिक रसोई, क्योंकि मेरे पास इनके प्रमाण नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की 2 स्टैंड बहुत क्लियर है कि सारे मामले में सबसे गंभीर जांच हो, सबसे बड़े परीक्षण हो, सबसे कड़े परीक्षण हो, और प्रवीण जी जो दोषी हो
क्योंकि कानून से ऊपर ना विधायक है, ना मंत्री है, ना मुख्यमंत्री, ना सांसद है, ना कोई युवक, ना कोई युवती। तो यदि जो दोषी हो, इस षड्यंत्र का कोई सूत्रधार है, तो यदि षड्यंत्र नहीं है तो कोई ना कोई मामला तो, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज करी है। एक युवती को रंगे हाथों 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया, जो ऑडियो वीडियो वायरल में उनकी बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी सत्यता का प्रमाण प्रवीण जी ने आपके पास है ना मेरे पास है, और आपने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि ईटीवी उसकी गारंटी लेता, तो मेरे पास भी उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि उन ऑडियो वीडियो की सत्यता प्रामाणिकता स्पष्टता की जांच करेगी पुलिस से जुड़ी एजेंसी जो फॉरेंसिक के स्तर पर काम करती है। और एक बात बहुत साफ है कि कानून में बहुत स्पष्ट लिखा है निर्भया केस के बाद में कि यदि कोई युवती 376 यानी दुष्कर्म की बात करे तो उस मामले पुलिस को प्रकरण पंजीबद्ध करना चाहिए। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया और डीआईजी भोपाल का बयान है कि हम इस सारे मामले की जांच कर रहे हैं, जांच के बाद लगेगा तो हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे। रजनी जी, ये संकेतों में कह रहे हैं षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र, संकेतों में नहीं, खुल के कहा प्रवीण जी, मैंने प्रमाण किया, संकेतों में बीजेपी की तरफ ही जाएगा राजनीतिक पार्टी, तो यहाँ पर दो ही सवाल यही है, राजनीतिक षड्यंत्र कहेंगे, साक्ष्य बताएंगे नहीं, प्रमाण है नहीं, उससे दूर हट जाएंगे, भाग जाएंगे। पुलिस के पास कौन गया, FIR किसने कराई, क्राइम ब्रांच के पास कौन गया, हेमंत कटारी, हनी ट्रैप भी करवाने लगी बीजेपी, क्या ये भी षड्यंत्र के तहत हेमंत कटारी जी गए थे, और वो पुलिस के पास गए तो पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया, और मामला पंजीबद्ध करके युवती जेल में है, और हेमंत कटारी जी विधायक जो है कांग्रेस के वो बाहर रहे। उसके बाद में फिर जो तथाकथित मामला है उसमें युवती ने बलात्कार और अपहरण का केस दर्ज कराया, जो पुलिस को करना मजबूरी है, वो पुलिस करेगी, उसकी जांच आगे बढ़ी। तो अगर राजनीतिक दबाव में और षड्यंत्र के तहत होती तो युवती जेल के अंदर होती और माननीय विधायक जी बाहर होते। ये कौन सा राजनीतिक षड्यंत्र, कांग्रेस के भीतर का होगा तो मुझे पता नहीं है, ये कांग्रेस के भीतर के लोग अच्छे से जान सकते हैं। जरूर CBI की जांच या न्यायिक जांच जो भी मुख्यमंत्री जी तो कर लो मंजूर, कर लो मंजूर ना, कांग्रेस चिट्ठियां लग रही है, मैं उसके बारे में नहीं जानता, मुख्यमंत्री जी से नेता प्रतिपक्ष जी की क्या बात हुई, जरूर होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल, जो भी जांच हो, CBI हो, न्यायिक जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो महिला अपराध पर बतंडा खड़ा करते थे, हल्ला हंगामा करते थे, वो आज विधायक के साथ में खड़े हैं और राजनीतिक षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक युवती की FIR आई है और एक पत्रकारिता की छात्रा की बात है, तमाम प्रकार से तमाम मृगन जी बहुत बेहतर तरीके से इसे पंकज जी आऊंगा मैं मृगन जी से एक बार विश्लेषण ठीक तरह से करा लूं। मृगन जी, बहुत लंबा अनुभव आपके पास क्राइम की रिपोर्टिंग का भी रहा है, ये इस मामले में पहले दिन जिसे फरियादी बना लेती पुलिस, कुछ दिन बाद आरोपी बना लेती, आपको लग रहा है बहुत जल्दबाजी की क्राइम ब्रांच ने, ठीक तरह से हैंडल नहीं किया पूरे मामले को? देखिए बिल्कुल सही है कि पुलिस ने इस मामले को बहुत ही जल्दबाजी में, किस दबाव में किया, क्यों किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुलिस की कार्रवाई शुरू से अंत तक इसमें पूरी तरह से संदिग्ध है। एक तरफ ऐसी कौन सी मजबूरी थी, एक छात्रा आती है उसको ले जाए तत्काल, उसको 5 लाख रुपए ट्रेप करके पूरी योजना बन जाती है, ऐसे कितने मामले हुए हैं। मेरे ख्याल से अगर देखें तो देश में बहुत कम इस तरह के उदाहरण मिलेंगे, कोई जाए कहे साहब मेरे से पैसे मांग रही लड़की दलाली के, वो मेरे पर अड़ी डाल रही है, चलो पुलिस पकड़ ले, तत्काल पैसा होकर सारी सारी कार्रवाई हो जाए। अब फिर उससे उलट जो फरियादी थी वो फिर जो आरोपी थी वो फिर बाद में फरियादी हो जाती है, आखिर उसमें कितने इस तरह के, ये भी एक नया इतिहास बना कि जेल से कोई पत्र लिख रहा है और उसको आप FIR दर्ज करें। ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट के निर्भया कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यदि कोई लड़की किसी तरह की शिकायत करती है तो उसमें FIR दर्ज होना चाहिए, लेकिन दोनों चीजें अगर उठा के देखें तो मेरे ख्याल से जेल से पत्र लिखने के बाद प्रकरण दर्ज होना, ये भी देश के इतिहास में कहीं एक दो जगह हुआ तो हुआ हो, और जो पहली कार्रवाई हुई वो भी ऐसी है, तो मैं तो कहूंगा ये कार्रवाई दोनों संदिग्ध है। तो अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया नहीं, CBI जांच कराए, STF को दे दे, किसी ऐसी जिला पुलिस से हटाए, किसी ऐसी संस्था को दे दे जो निष्पक्ष रूप से पूरे मामले की जांच करें। दबाव में है पुलिस, आपको लग रहा होगा कुछ पॉलिटिकल दबाव प्रेशर है पुलिस के ऊपर? देखिए पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की तो दबाव कहीं ना कहीं से है, अब किसका दबाव है ये तो नहीं कह सकते और ना इसमें कोई बोल रहा है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई शुरू से लेकर अंत तक उसमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये दबाव में कार्रवाई की गई है। पंकज जी आप जवाब देने वाले थे, एक सवाल मैं और अपना साथ में जोड़ देता हूं कि जो मृगेन जी भी कह रहे हैं कि ये एक तरह का अनूठा मामला है, अमूमन राजनेताओं को ये माना जाता था कि शोषण करते हैं वो, और उनका एक इम्प्रेशन फिल्मों से लेके और राजनीतिक गलियारों तक इसी तरह का था कि शोषक होते हैं। यहां इतना निरीह MLA, इतना लाचार MLA के लोग, लड़की ब्लैकमेल कर रही है और वो ब्लैकमेल हो रहा है।
देखिए प्रवीण जी, एक प्रति प्रश्न है मेरा आपसे कि यदि आप कानून का पालन करने वाले हैं और कानून में यदि आपकी आस्था और विश्वास है और यदि आपके साथ यदि कोई एक सेल्फ मेड वीडियो के आधार पर आपको रेपिस बताकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए तो आपके पास क्या विकल्प है? आप पुलिस के पास ही जाएंगे यदि आप कानून का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, जिस प्रकरण में हेमंत कटारे ने किया और हेमंत कटारे की 6.5-7-8 महीने की विधायकी है, प्रतिपक्ष में हेमंत कटारे में मैंने 2-3 उदाहरण आपको गिनाए, तो प्रवीण जी मुझे तो नहीं लगता कि शायद ये बात आपके मृगेंद्र सिंह जी के गले उतरेगी कि हेमंत कटारे इतने प्रभावशाली विधायक हैं कि वो भोपाल पुलिस को अपने हिसाब से चला रहे हो, मध्य प्रदेश की पुलिस विशेषकर क्राइम ब्रांच और भोपाल के आला अधिकारी हेमंत कटारे के इशारे पर गलत ढंग से काम कर रहे हैं। पुलिस ने इस सारे मामले में जो मेरी जानकारी है उसमें 22 जनवरी को इस मामले में हेमंत कटारे ने पुलिस के आला अधिकारियों से इस मामले में लिखित शिकायत करी और 2 दिन के बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत करने के उपरांत वो जो ट्रैप का मामला था वो ट्रैप रजिस्टर्ड हुआ और ट्रैप के बाद वो जो युवती, उस युवती के बयान पहली बार न्यायालय के स्तर पर, क्योंकि उनको वहां न्यायालय में पेश किया गया जहां से न्यायिक हिरासत में वो जेल में है, वहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे साथ किसी प्रकार का कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। मैं ऑडियो वीडियो की बात नहीं कर रहा, जो युवती के बयान कोर्ट में लगे हुए हैं। और उसके बाद 8 दिन बाद 9 दिन बाद जिस ओर मृगेंद्र सिंह जी ने कहा कि पहली बार 1956 से मध्य प्रदेश बना, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा मामला है कि जिसमें जेल से कोई युवती पत्र लिखती उसके ऊपर कार्रवाई होती, मैं कार्रवाई से गुरेज कर ही नहीं रहा, बिल्कुल पुलिस का अधिकार है प्रकरण पंजीबद्ध करे, जांच हो, विवेचना, इसलिए मैंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। और कांग्रेस पार्टी का ये मानना बहुत साफ है कि पुलिस पर भले ही प्रवीण जी सरकारी दबाव हो या नहीं हो, ये तो सामने आएगा, जो प्रतिपक्ष का दबाव नहीं होता, सरकार का दबाव होता है, लेकिन कांग्रेस को देश की न्यायपालिका में और देश के संविधान में, कानून में पूरा भरोसा है और कानून अपना काम कर रहा है और इस मामले में जो दोषी होगा उसको दंड मिलेगा और जो निर्दोष होगा उसको इंसाफ मिलेगा। रजनी जी, आपकी सरकार है, सरकार के लिहाज से जवाब दीजिएगा कि यदि मान लीजिए उस लड़की को आपने रिश्वत लेते हुए आपकी पुलिस ने देखा, आपकी सरकार की पुलिस ने, और अरेस्ट कर लिया, अब जब रेप का मामला कर लिया तो एमएलए अरेस्ट कर लीजिए, फिर उन्हें उतना जांच में क्यों डाल रखा है? नहीं, जरूर करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं पार्टी के प्रवक्ता, और फिर कोर्ट में होता रहा जो के अनुसार, कानून के अनुसार भी जरूर अरेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें तमाम साक्ष्यों की ऐसी बात आ रही है जो तकनीकी से संबंधित है, साइबर सेल का मामला भी है, उसमें FSL का भी मामला है, कब वीडियो बना, कहां वीडियो बना, किसने सेंड किया, किसने रिसीव किया, कॉल डिटेल रिपोर्ट का तमाम मामला है, किन किन की कब कब कितनी कितनी बात हुई है, जो तमाम पक्षों की बात आ रही है उस पर दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए लैब से सामने आ जाएगा। तो मुझे लगता है पुलिस को जरूर व्यापक जांच करनी चाहिए, जिस एजेंसी के मार्फत जांच हो, व्यापक जांच हो, जिस एजेंसी के मार्फत हो उस एजेंसी से हो, ताकि जिस प्रकार का भ्रम का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में, कहीं किसी युवती की आवाज ना दब जाए, अन्याय ना होने पाए, इसलिए पुलिस को पूरी संजीदगी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आरोप संगीन है। मृगन जी, पहले यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि उसे लड़की को तत्काल अरेस्ट कर लिया, यदि रेप का मामला रजिस्टर कर ही लिया 376, तो फिर क्या इनकी अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए? नंबर एक, और नंबर दो ये है पूरा इस पूरे मामले को लेके कि एक जो आरोप लग रहा है कि जो दूसरा वीडियो उसने एक्सक्यूज वाला नेक्स्ट डे वायरल किया, उस लड़की ने कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच के थाने में ही बनाया गया था। देखिए, अगर जिस तरह से पहले इनकी गिरफ्तारी हुई तो मैं तो शुरू से वो बात कहा कि जिस तरह से कार्रवाई हुई वो भी मेरे गले नहीं उतर रही, इस तरह कभी नहीं हुआ, और जो दूसरी कार्रवाई हुई वो भी गले नहीं उतर रही, इसलिए अगर लड़की को तत्काल गिरफ्तारी हुई तो विधायक जी पर क्या, चूंकि जेल से मामला आया था, जेल से पत्र आया था, उसके बाद प्रकरण दर्ज कर दिया, पुलिस ने उसको जांच में रख लिया है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं की। लेकिन मैं कल कहा कि मेडिकल में ऐसी कोई पुष्टि हो रही है, मतलब उन्होंने साफ नहीं कहा, लेकिन कहा देखिए मेडिकल में तो जो मेडिकल के जो भी एक्सपर्ट होते हैं डॉक्टर कभी भी अपनी स्पष्ट राय नहीं देते, नहीं देते हाँ, लेकिन वो चीज जो लिखते हैं वो ये पुष्ट कर रही कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। अब कौन हुआ कि ये तो फिर जांच का विषय है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट में कहा जाए स्पष्ट राय कभी भी किसी भी उसमें डॉक्टर लोग नहीं देते हैं, इसलिए ये कहना कि उसके साथ गलत कब हुआ क्या हुआ तो जांच के विषय आएगा। लेकिन मैं शुरू से कहा था, अब भी बोल रहा हूँ, पूरी कार्रवाई जो है अनूठी कार्रवाई है, इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं हुई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनसे हटा के जिला पुलिस बल से या क्राइम ब्रांच से किसी स्वतंत्र एजेंसी को देना चाहिए, चाहे STF को दे दें, साइबर किसी को दे दें, एक वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में जांच कराएं ताकि सही स्थिति पता चले। जब तक ये नहीं होगा तो आरोप लगते रहेंगे, भाई आप आरोप क्राइम ब्रांच पर लगा रहे हो, आप आरोप पुलिस पर लग रहे, जिला पुलिस पर, आखिर उसका मालिक तो SP होता, चाहे क्राइम ब्रांच हो या आपके महिला थाना जांच कर रही हो, तो क्यों नहीं स्वतंत्र एजेंसी को जांच दिया, STF को दे, किसी ऐसे स्वतंत्र एजेंसी को आप जांच दे दो जिसमें कि SP कहीं कोई दखल ना रहे, और एक सही तरीके से जिसमें विशेषज्ञ भी हो, जैसे पंकज जी ने कहा साइबर सेल वाले भी उसकी जांच करें, और अपने रजनीश भाई ने भी कहा कि FSL वाले पूरी जो
तकनीकी ढंग से जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, किसी बच्ची के साथ जाती ना हो और किसी युवा राजनेता के राजनीतिक करियर भी ना खत्म हो, इसलिए पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। ठीक है पंकज जी, ये जो आपने कहा कि बहुत कम अनुभवी एमएलए हैं और ज्यादा वक्त उनको हुआ नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र उनके साथ हो रहा, यदि राजनीतिक षड्यंत्र किसी को करना होगा तो जो सेट यहाँ पे बड़े नेता हैं उनको फंसाया जाएगा, हेमंत कटारे ही क्यों बने निशाना? ये सवाल तो प्रवीण जी हम पूछ रहे हैं, और मैंने ये नहीं कहा, मैंने अनुभव की बात इसलिए की कि ये कहा गया कि वो प्रेशराइज नहीं कर सकते उस आधार पे कहा, और आपने एक शब्द कहा उसमें थोड़ा सा प्रवीण जी आज्ञा दीजिए सुधार करूंगा, उसमें जो युवती ने जेल से जो पत्र लिखा है जो मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा, क्योंकि एफआईआर का भी हिस्सा है जहां उस युवती ने क्राइम ब्रांच की जो सबसे आला अधिकारी हैं उनके ऊपर उसने नाम लेकर आरोप लगाए हैं, तो प्रवीण जी ये तर्क भी गले नहीं उतरता कि क्राइम ब्रांच में एक महिला पुलिस अधिकारी जो कुछ माह बाद आईपीएस होने वाली है वो इस स्तर तक कांग्रेस पार्टी के एक नए विधायक के दबाव में होंगी कि क्राइम ब्रांच में बैठकर युवती का वो वीडियो जिसमें वो सत्यता को स्वीकार कर रही है या हेमंत के ऊपर लगाए आरोपों को क्षमा मांग रही है वो क्राइम ब्रांच में बनाओ। जब विकल्प बहुत खुले हो तो हम ये एक विकल्प ये भी तो खोल सकते हैं कि उनके पापा बहुत यहाँ नामचीन हस्ती रहे हैं, उनके रिलेशन कहीं कहीं काम आ रहे हों, हो सकता है। प्रवीण जी तो ये जांच का विषय है कि सत्यदेव कटारे जी जो लगभग 2 वर्ष तक अपने देहावसान के पूर्व बिस्तर पर रहे, ठीक से बात नहीं कर पाते थे, लोगों से काम नहीं कर पाते थे, कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष प्रदेश का काम चला, उनको गुजरे हुए 1.5 वर्ष हो गया है, तो सत्यदेव कटारे जी का इतना आभा मंडल था कि उनके 3.5 साल के बाद लगभग 1.5 साल गुजरना और 2 साल बीमारी के बाद भी उनके पुत्र का इतना प्रभाव और रसूख है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जिला पुलिस के आला अधिकारी हेमंत कटारे के इशारे पर 2 दिन तक काम करते हैं और रंगे हाथों ट्रैप करते हैं। चाहते क्या हो आप, कांग्रेस क्या चाहती है? मेरे कितनी बार कहूं सर, कल नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत स्पष्ट किया कि किसी युवती की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, वहां साथ साथ किसी नौजवान विधायक के भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। छोटा कमेंट रंजीत जी, सबसे बड़ी छोटा कमेंट जल्दी मानेंगे, कांग्रेस की बात मानेंगे, बिल्कुल माननी चाहिए। अगर कोई और एजेंसी से जांच कराने की बात है तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर भी विचार कर लेना चाहिए, लेकिन आरोप राजनीतिक षड्यंत्र और आरोप प्रत्यारोप के हैं तो ये जरूर उनको साक्ष्य के साथ में सामने आना चाहिए, वरना ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। माफ कीजिए, वक्त हमारे पास इतना ही है, लोगों से मैं जरूर अपील करूंगा कि आप उम्मीद कीजिए कि एक दो वीडियो और अभी सामने नहीं आए या आए तो वो सबूत या साक्ष्य में बने, जाने कब तक ये मूवी चलती रहेगी और लोग मजे लेते रहेंगे, और जो असल न्याय है यदि दोनों में से कोई एक पीड़ित है तो उसे कब मिलेगा। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। प्राइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।